आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज इस वीडियो में हम स्लीव्स डिज़ाइन बनाएंगे जिसे आप टॉप और कमीज के साथ बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। लेंथ में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और यहाँ चौड़ाई में भी हमें इसी बात का ध्यान रखना है। स्लीव्स की चौड़ाई हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। अब हम सेंटर से सीधा स्लीव्स को कट करेंगे। उसके बाद यहाँ दोनों तरफ से हमें इसे मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। रॉन्ग साइड हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से मोड़ेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। अब दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से मोड़ लेंगे। देखिए, दोनों साइड से हमने इसे मोड़ लिया है। अब हमने ये सीधी पट्टी कट की है जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंचेस और लेंथ पहले हमें मोहरे की गोलाई का निशान लगाना है और उसमें हमें 6 से 7 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। अब देखिए, हमने स्लीव्स की एक साइड ली है और ये हमारे सेंटर का कट है। ऊपर की तरफ स्लीव्स की राइट साइड होगी और पट्टी की ऊपर की तरफ होगी राइट साइड। इस तरह से ये पट्टी की ऊपर की तरफ राइट साइड होगी और स्लीव्स की ऊपर की तरफ राइट साइड हो जाएगी। अब हमें सिलाई लगानी है। अब पट्टी को हम सीधा करेंगे इस तरह से। अभी आप देखिए, हमारी पट्टी सीधी है। अब यहाँ से हमें पट्टी को इस तरह से मोड़ना है और यहाँ पे लगानी है सिलाई। अब इसको सीधा करेंगे। पट्टी को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। बिल्कुल जॉइंट के ऊपर पट्टी को मोड़ेंगे। दूसरी तरफ भी किनारे पर हमें एक सिलाई लगानी है। अब देखिए, हमारी ये पट्टी कुछ इस तरह से दिखेगी। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही पट्टी को अटैच करेंगे, मोहरे वाली साइड। देखिए, दोनों तरफ हमने पट्टी अटैच कर ली है और इन पट्टियों से हम अच्छे से बो बनाएंगे। उसके बाद हम इस बो के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि ये खुले ना। देखिए, वो हमारी रेडी हो गई है। अब जो ऊपर की तरफ कट है वहाँ पे हम बीड्स लगाएंगे। हमने ये 2 साइज़ के बीड्स लिए हैं।
एक तरफ हम छोटे साइज के बीड्स लगाएंगे और एक तरफ हमें बड़े साइज के बीड्स लगाने हैं। बीड्स लगाने से पहले हम एक टाइट नोट लगाएंगे ताकि टूटे ना। एक एक इंच के गैप पर हम पूरे कट पर इसी तरह से बीड्स लगा लेंगे। देखिए पूरे कट पर हमने बड़े साइज के बीड्स लगा लिए हैं। अब दूसरी साइड हम लगाएंगे छोटे साइज के बीड्स। दूसरी तरफ जो हमने बीड्स लगाए हैं उसके सेंटर में हमें लगाना है निशान और यहाँ पे हम बीड्स लगाएंगे। इसी तरह से हम सभी बीड्स लगा लेंगे। देखिए हमने सभी बीड्स कट पर लगा लिए हैं और हमारा स्लीव डिज़ाइन बन के एकदम कंप्लीट है। इसको हम सेंटर से इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ से हमें स्लीव्स की फिटिंग करनी है और ऊपर से आर्म होल की छटाई करते हुए हम स्लीव्स को आर्म होल के साथ अटैच कर लेंगे। जिस तरह से हम सिंपल स्लीव्स अटैच करते हैं आर्म होल के साथ, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे भी अटैच करना है। यहाँ पे हम एक बात का ध्यान रखेंगे, हमारा जो जॉइंट है वो शोल्डर के जॉइंट के साथ अच्छे से मिलना चाहिए। पूरा बनने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।